नेशनल कॉन्फ्रेंस को तशहीरी मुहिम से रोका जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला का इल्जाम, कहा पार्टी से हो रहा है सरकार को महसूस डर, टूरिस्ट कहने वालों को देंगे लोग जवाब। वजीर आजम नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं मायूस, लोगों को तकसीम करने में रखते हैं यकीन, विकार असलवानी का इल्जाम, कहा 150 सीटों से आगे नहीं जाएगी बीजेपी, इख्तदार में आने पर करेंगे बेरोजगारी का अहम मसला हल। इलेक्शन कमीशन के कवायद और जवाबित सब के लिए यकसां, उमर को भी करना चाहिए अमल, सीनियर बीजेपी लीडर कविंदर गुप्ता का बयान, विकार रसूल के बयान पर भी रद्दअमल, कहा 4 जून को बीजेपी तोड़ेगी सीटों के तमाम पुराने रिकॉर्ड। बायकॉट नाफिज करने और महबूबा को पार्लियामेंट में जाने से रोकने के लिए कराए जा रहे एनकाउंटर, महबूबा मुफ्ती का एग्जाम, कहा 3 मरहलों के बाद है बीजेपी को शिकस्त का डर, पुलिस को रहना चाहिए गैर जानिबदार। वो पार्टी और लीडर आईन की बात कर रहे हैं जिन्होंने कभी इसका नहीं किया एहतराम, बीजेपी तर्जुमान अभिजीत जसरोटिया का महबूबा के बयान पर रद्दअमल, कहा बीजेपी को हासिल होगी पहले से ज्यादा सीटें। फारूक अब्दुल्ला ने की फिरका वाराना कशीदगी को हवा देने की वजीर आजम की बबैना कोशिशों की तनकीद, कहा मजहब की बुनियाद पर कर रहे हैं लोगों को खौफ ज्यादा, गैस और दीगर जरूरी अशिया की कीमतें छू रही हैं आसमान। Presented by